तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, मेरे हम सफ़र और मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज नए ब्लॉग के साथ मैं रेडी हूँ और मैं कुछ इस तरह का ब्लॉग बनाना चाहता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी हर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और अधिक से अधिक मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आज ये बैठी है ना, इसको मैंने आज उल्लू बनाया, पता है कैसे? तो उल्लू ऐसे में बनाया मैंने, आज मैं जा रखा था ड्यूटी, तो मुझे जाना था दरअसल केस में, तो केस पे जाना था। तो मैं जो मेरे सर हैं उन्होंने कहा कि तू जल्दी चले जा, बोले जंगल का रास्ता है तो डर लगती है कई बार, क्योंकि आजकल एकदम झाड़ वगैरह हो रखी है, हर तरफ हरा भरा और एकदम काफ़ी पेड़ आ चुके हैं, तो इस वजह से कहीं बाघ वगैरह का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने इसे उल्लू बना दिया रास्ते में, तो इसका मैंने प्रैंक बना लिया अच्छे से, क्योंकि मैंने इसे बोला कि मैं आज वहीं रुकूंगा या मुझे लेट हो जाएगी केस में, क्योंकि अब जाने का टाइम 1 घंटा है, फिर 1 घंटा आने का लगता है वहाँ से जहाँ केस में जाना था, और फिर वो केस ऐसा क्रिटिकल केस था कि थोड़ा टाइम लग सकता था। तो मैंने इसको उल्लू बनाया रास्ते में कि मैं आऊँगा लेट में, तो ये बिल्कुल मुखड़ी इसकी इतनी सी होगी, तो ये देख सकते इतनी सी मुखड़ी होगी इसकी, हाँ, तुमने देखा, क्योंकि हाँ क्योंकि मैं जब घर आया तो तब एकदम खुश होगी, आ गए तो चौंकते हुए तो होता है ना वो कि जिसको शौक देते हैं, किसी को शौक देते हैं, वही वाला शौक दिया मैंने इसे, तो इसे काफी अच्छा लगा कि हाँ घर आ गए, खुश होगी एकदम, मेरे को दूर से ऊपर से देखते ही खुश होगी। मैं ऊपर रोड के, आपको मैंने कई बार अपनी वीडियो में दिखाया है ऊपर रोड है, तो मैं रोड पे ही अपनी बाइक खड़ी करता हूँ, तो वहाँ से खुश होगी एकदम कि आ गए घर, इसके शक्ल एकदम चमकते हुए दूर से ही तो देखिए अभी भी इसकी शक्ल चमक रही है, देख सकते हैं। और कुछ आज ये इसका ऑर्डर भी आने वाला था, वो भी नहीं आया, तो इसकी मुखड़ी थोड़ा उदास सी थी, तो मीशो से इसने ऑर्डर मंगाया था, तो मैंने कहा चलो मंगवा ले, कोई दिक्कत नहीं, तो वो ऑर्डर आया नहीं, अभी देखो पता नहीं कितना टाइम लगता है। जो हमारे यहाँ से पौड़ी है लगभग 20-22 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है, शुरुआत वहाँ से हो जाती है 20 किलोमीटर से, तो वहाँ एक जगह है गुरेट, तो जो भी ऑर्डर आता है मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन, तो वो ऑर्डर आता है वहाँ पर, तो वहाँ से आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑर्डर आएगा 5 तारीख को, तो कभी कभी जस्ट ऐसा होता है कि वो 1 दिन पहले भी आ जाता है, तो वो ऑर्डर अभी तक आया नहीं। तो लड़की ने मंगाया अपने लिए एकदम, क्या मंगाया तूने? टी शर्ट मंगाई है और प्लाजो वगैरह मंगाया अपने लिए, तो आजकल की लड़कियों को शौक देखोगे ना एकदम वैसे हो गए, एकदम वैसे हो गए मतलब। तो ऑर्डर भी अभी आने में देरी है, कल तक आता है, परसों तक आता है, पर वेट कर रही है लड़की कि कब आएगा, और कब मैं उनको कब आए कब देखूं, कब अपना प्लाजो और टी शर्ट पहनूं साथ में। तो इसके साथ जो आज प्रैंक किया ना, तो बहुत ही मजा आया प्रैंक करने में, प्रैंक नहीं करना चाहिए, मैंने तो सच माने वहीं रह रहे होंगे आप, तो इसने सोचा कि मैं सच में आज वहाँ रह रहा हूँ, तो रह भी लेते थे, तो बहुत ही वो हो रही थी कि बोल रही की कहाँ पे पहुंचे, इसने कम से कम 2-3 बार मुझे कॉल की, तो मैं कभी ऐसे लिटरली कभी रहा नहीं हूँ, मैं लगभग रोज़ घर आ जाता हूँ, चाहे लेट भी हो जाए तो मैं तभी भी घर ही आता हूँ रोज़, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा कि हाँ आज वहीं रुक रहे, तो होता ही प्यार होता है एक माई का, तो पति के बिना 1 महीना भी गुजर जाता, ससुराल में 1 दिन पति के बिना अजीब लगता है तो सुन सकते हैं आप, तो होता ही है कि प्यार अच्छी बात है, कि एक पति की फिक्र होनी चाहिए पत्नी को, तो ये अच्छा लगता है कि हमें भी अच्छा लगता है, तो मुझे जैसे मैंने शौक दिया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, हाँ यार फिक्र करता है कोई ना कोई, मेरी कोई ना कोई क्या वाइफ फिक्र करती है, तो इसे पता लगता है कि हाँ वाइफ मेरी फिक्र करती है, तो लिटरली बहुत ऐसा होता है कि हाँ हस्बैंड कहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ है क्या है, तो कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं चलो कोई बात नहीं लेट में भी आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ मेरा जो भी व्लॉग रहते हैं मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करें दिल से और अपना पूरा सपोर्ट दें मुझे, तो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और फुल्ली सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मैं अभी शुरुआती दौर पर हूँ
और अभी नए नए व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो कोशिश ये रहती है, मेरा प्रयास हर दिन ये रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकूँ। और इसके लिए मैंने दरअसल एक सेल्फी स्टिक भी लिया है, दुकान से ही ख़रीदा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसे सेल्फी स्टिक को, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने ये वाली सेल्फी स्टिक खरीदी अभी अभी 2-3 दिन पहले खरीदी है दुकान से, नहीं 2-3 दिन नहीं, सॉरी दोस्तों, लगभग 10 दिन हो चुका है। तो 10 दिन पहले मैंने ये सेल्फी स्टिक खरीदी, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आता है इससे। तो ये देख सकते हैं इस पर फुल्ली, ये यहाँ आप इस पर ये आप देख सकते हैं, ये साइड पे आप फ़ोन को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं इस पर आप फ़ोन को अपना एडजस्ट कर सकते हैं, और इस पर लाइट भी दे रखी है इन्होंने, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं इजीली। तो सॉरी दोस्तों, ये चार्जिंग पे नहीं है, अभी चार्ज नहीं हो रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अभी ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने ये चार्ज नहीं किया है। तो काफ़ी अच्छा सेल्फी स्टिक है, काफ़ी बढ़िया है, इस पर ये अलग से एक रिमोट दिया, रिमोट से आप इस पर सेल पढ़ते हैं, तो सेल से आप इसे अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, अभी एक हाथ से खोलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये है दोस्तों इसका रिमोट, और ये इससे कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के थ्रू, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और इस पर स्टैंड का वो भी दे रखा है, स्टैंड पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। तो ये देख सकते हैं स्टैंड है इसका, स्टैंड पे आप इजीली तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से नीचे रख के आप इसे इजीली ऐसे में यूज कर सकते हैं, और इसको एडजस्ट करके कहीं भी मोबाइल पर लगा के आप यूज कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका स्टैंड। तो काफ़ी अच्छा सेल्फी स्टिक लगा मुझे, क्योंकि प्रॉपर काम करता है, और काफ़ी इसकी दूर तक का आप यूज़ ले सकते हैं इससे। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको अभी, ये देख सकते हैं आप, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ये दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इजीली तरीके से। तो आप चाहे तो अपने लिए, जो भी न्यू ब्लॉगर हैं, तो आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से भी मंगा सकते हो, तो मैंने तो फ़िलहाल ये शॉप से लिया है, तो शॉप में मुझे लगभग 300 का पड़ चुका था, तो काफ़ी मतलब कम रेट में है और सही है, लगभग अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में, और मेरा वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ मैं, और मिलता हूँ अपनी अगली वीडियोज़ में। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको।